अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वंस अगेन बाटा चौक मंडी में। सबसे पहले आप सबको ज़िलहज का चांद मुबारक हो। आज मेरे साथ छोटा भाई दुकान आया हुआ है, ये शायद आपने पहले व्लॉग में देखा हो। अभी मैं ऊपर वाली साइड पे आया हूँ जहाँ पे VIP टेंट वगैरह लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे आया हूँ। अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। मंडी में भाई साहब मिले हम छोटे भाई से, छोटे डॉन भाई से। तो क्या कह रहे हो भाई? गुड हो गया। एक बार दोबारा बोल। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। गुड हो गया, गुड हो गया। अब तो छोटे डॉन ने भी कह दिया, अब तो लाजमन सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। और दूसरा ये कि ज़िलहज का चांद भी यहाँ से नजर आ चुका है, तो एक बार फिर सब भाइयों को मुबारक हो। दूसरा ये कि आज डेरा शेख वाहवालों की भी ओपनिंग है। अगर उस टाइम तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो फिर वो भी आपको दिखा दूँगा। अगर ज़्यादा लेट नाइट हुई तो फिर वापस चला जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुबह मैंने जॉब पे जाना होता है, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। ये भाई साहब आज इनका इफ्तिताह होना था शेख वाहव कैटल फार्म का, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी खाली भाई साहब तैयारियों में लगे हुए हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, और इस तरफ भी जो है काफ़ी डीजे वाला निज़ाम भी चला हुआ है। और थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे देखा है ड्रोन वगैरह भी चल रहा था। मैंने समझा था कि थोड़ी लेट ओपनिंग होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जल्दी काम शुरू कर दिया है। अभी जो भाई बैठे हैं वो, उनका नाम शेख वाहब है, तो इनका बाकी सीन वगैरह रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लग चुके हैं और ये ऊपर ड्रोन, ये लाइट क्यों आँखें मारना शुरू हो गई है। कैटल फार्म की पहली एंट्री, दो बछड़े इनके साथ चंडी आ चुके हैं। इनकी अनलोडिंग वगैरह भी चेक करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी हो सकता है इनके और भी आ जाएं तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। ये वाली जगह इनको पसंद नहीं आई, अभी जगह चेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये जगह इन्होंने धक्का बनाया, यहाँ पर उतारेंगे तो देखते हैं। अनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई, अभी डाला वगैरह खोल रहे हैं, तो उसके बाद शुरू कर देंगे उतारना। आवाम का रश आप लोग चेक कर सकते हैं, हर कोई भाई वीडियो या बना रहा है और या फिर जो है ना पैसे देखने के लिए आया हुआ है, क्योंकि नाम है एक पिंडी में शेख वाहब कैटल फार्म का। तो देखते हैं अभी क्या जानवर लेके आए हैं। पहला जानवर इनका डब्बा जानवर अनलोड होने वाला है, तो चेक करते हैं। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डेक वगैरह लगे हुए हैं आज, तो अगर शोर आए तो उसके लिए माज़रत। अभी मैं बोलता कम हूँ थोड़ा, तो आप लोग अनलोडिंग जो है वो एंजॉय करें। फुल जान लगा रहे हैं उतारने के लिए, लेकिन वो बछड़ा भाई साहब अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। ये क्या है? साथ ही अनलोडिंग कर रहे हैं क्योंकि अकेला चल नहीं रहा, शुरू है। भाई साहब डर गई। भाई साहब इसलिए मैंने कहा था कि दौड़ अपनी अपनी। आगे लेके चल गए, आगे मैं जाके दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो जब उसने छलांग मारी, आवाम की दौड़े देखने वाली। फिलहाल के इन्होंने बांधे हैं। वाकई यार नाम इस बंदे का सही है, क्योंकि चीज़ें वाकई लेके आया है। माशाल्लाह से आप गुलाइयाँ चेक करें और दोनों बैडों की बनावट एक देख के बना माल सब। इस वाले में कोई ज़्यादा ही करंट है, ये वाला बेचारा शरीफ है। माशाल्लाह यार कमाल चीज़ है ये। आखिर
भाई साहब अखीर यार माशाल्लाह यार ये इतने बैठे हैं कि भाई साहब ये फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे यार। ओए होए होए उधर क्या उधर कोई सीन गलत ही खुल गया और ये वाला अखीर से यार ये दूर जाने की जरूरत नहीं है बेहतरीन बाकी भाई थोड़ा जा रहे हैं मंडी से वापस बहुत ज्यादा थक गए हैं और जॉब पे जाना है तो उम्मीद है आपको मेरा शेक आपकी वीडियो पसंद आएगी तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और नहीं सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।